गोपी परण धन, गोपी के परण धन है। तो गोपी परण धन का क्या मतलब है? गोपी परण धन, गोपियों को इंप्रेस करने के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाया और गोपियां कृष्ण के 12 रस का आस्वादन कर रही हैं, क्योंकि आजकल लोग जिम क्यों जाते हैं? मेहनत करते हैं, फिटनेस बनाते हैं। क्यों क्यों करते हैं फिटनेस? क्या ये लोग नहीं बोलते कुछ? मास्क के अंदर बोल सकते हैं आप, आवाज आ जाएगी। क्यों क्यों एक्सरसाइज करता है आदमी? क्यों फिट रहना चाहता है? पेट अंदर क्यों रखना चाहता है? टू बी स्मार्ट। स्मार्ट क्यों होना है? मोटा पेट है तो खाना खाओ, सो, मजे से, क्या दिक्कत है? तो फिट क्यों रहना चाहते हैं? हाँ जी, दूसरों को अट्रैक्ट, इंप्रेस करने के लिए। इसलिए कृष्ण त्रिभंग ललितम रूप रखते हैं। देखा कभी टेढ़े खड़े हैं? आप खड़े भी नहीं हो सकते, पैर एक क्रॉस करके रखे हैं, कमर से टेढ़े हैं और गर्दन भी टेढ़ी है, और फिर फ्लूट बजाते हैं। ये त्रिभंग ललितम रूप जो है ये इंप्रेस करता है। समुद्र शास्त्र एक शास्त्र है जिसमें किसी के चेहरे को देख करके हम बता सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो समुद्र शास्त्र है, उसकी व्याख्यान गरुण पुराण के अंदर करी गई है। चेहरा देख कर बता देंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, चेहरा देख के बता देंगे तुम क्यों चिंतित हो। उसमें कौन सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़े हैं, कुछ कुछ मालूम है हमको समुद्र शास्त्र। तो उसमें समुद्र शास्त्र में लिखा है कोई व्यक्ति अगर तीन जगह से टेढ़ा होकर खड़ा हो तो तुरंत किसी को भी आकर्षित कर सकता है। जो स्टाइल से खड़े होते हैं ना, मॉडल देखें ऐसे क्यों खड़े होते हैं? अट्रैक्शन, बॉडी जब टिल्ट होती है तो अट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो कृष्ण त्रिभंग ललित में सभी को आकर्षित कर लेते, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। तो पहले कृष्ण प्रभावित होंगे, उसके बाद ही तो आकर्षण क्रिएट करेंगे। इसलिए गोपी परण धन, गोपियों के वो धन है जो कि गोपियां उनके ऊपर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, ऐसे वो धन गोकुल के रंजन हैं। गोपी परण धन, हमारा धन है क्या? पैसा, बंगला, बच्चे, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ईगो, स्टेटस, मेरी नौकरी, मेरी पोजीशन, मेरा समय। लेकिन गोपियों का परण धन क्या है? कृष्ण। तो पहले कृष्ण प्रभावित होंगे और फिर आकर्षित होंगे। तो इसलिए कृष्ण को हमें भी पहले अपनी सेवाओं से प्रभावित करना चाहिए, उसके बाद कृष्ण हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए भक्त लोग सुबह सुबह जप माला लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को जब देखते हैं, मेरा नाम जप रहा है, कृष्ण बड़े प्रभावित होते हैं। अरे अगर मैं आप में से किसी एक व्यक्ति का नाम लूं, मैं बुलाना चाहूंगा संजीत प्रभु को, हरि बोल, तो प्रभु जी कहेंगे, सब लोग देखेंगे बड़ा स्पेशल व्यक्ति है, माला पहनाएंगे उनको, है ना? ऐसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान देखते हैं कौन है, सुबह सुबह हरी कृष्ण करने लगा, कौन है? भगवान प्रभावित होते हैं, और जैसे प्रभावित होते हैं तुरंत आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर क्या करते हैं, उस जिह्वा पे प्रकट हो जाते हैं जिस जिह्वा से भगवान का नाम लिया जा रहा है, और डांस करने लगते हैं त्रिभंग ललितम रूप में, और हम बोलते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.